आपको बता दें कि करौली के टोडा भी में भी मतदान केंद्र पर मतदाताओं की कतारें दिखनी शुरू हो गई हैं। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग भी मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहा है। ये देखिए किस तरीके से जो लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है वहां पर किस तरीके से जो लोगों का स्वागत है वो भी यहां पर किया जा रहा है। तो निर्वाचन विभाग की ओर से वोटर्स को लुभाने के लिए कई तरीके की जो रणनीति कहना चाहिए वो अपनाई जा रही है। आदर्श मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं और जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए उन्हें उनका यहां पर स्वागत भी किया जा रहा है। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है, तिलक लगाया जा रहा है। तो ये लोगों में काफी इसके लेकर कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जरूर होता है। ये जो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये लोग अपना वोटर आईडी कार्ड यहां पर शो कर रहे हैं। तो इस लोकतंत्र के इस महापर्व में जो अपनी भूमिका है वो निभा रहे हैं। बुजुर्ग महिला हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे यूथ हो, सभी अपनी अपनी जो भागीदारी है वो यहाँ पर निभा रहे हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में।